नाज़रीन दुबई में करारदाद पाकिस्तान की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब कोठाई वही जिनको खास मेहमान दुबई कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उमर अलमतना हो जडे तो पाकिस्तान में गडियल अरब इमारतों के सफीर अफजाल महमूद बियन पिण तकरीब में शिरकत कई दिसूँ इसहाक सुमरुज रिपोर्ट। दुबई में करारदाद पाकिस्तान की मुनासिबत से रंगारंग तकरीब कोठाई वही जिनको खास मेहमान दुबई कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उमर अलमतना हो जिन्हें पाकिस्तान में गडियल अरब इमारतों के सफीर अफजाल महमूद बियन पिण शिरकत कई। तकरीब की शुरुआत पाकिस्तान के कौमी तराने से कई वही जिन तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर गायने अली जफर नौमान शाह मिली नगमा गाय शिरकत कदड़ जो दिलियों खटे वर। तकरीब में पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी पलमेर स्कूल पारा टेबलोज पेश किया व्या। शिरकत कंदड़न करारदाद पाकिस्तान ते ठहल खाका डिसी बारन के खूब दात दिनों। उन मौके ते गालाइंदे दुबई कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी जे सीईओ डॉक्टर उमर अलमतना पाकिस्तान में गडियल अरब इमारतों के सफीर अफजाल महमूद बियन चो तो पाकिस्तान यूएई जी दोस्ती पुरानी आए। इमारत यूएई पाकिस्तानियों जो बो घर है। प्रोग्राम में शिरकत करे तमाम घनी खुशी थी। 23 मार्च अब की बार का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 75th हमारी इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी है माशाल्लाह, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इन अ बिग वे। और जिस तरह का वैरायटी प्रोग्राम इन्होंने रखा, जिस तरह की पुरमगज यहाँ पे आइडियाज डिस्कस हुए विद इन दैट वैरायटी प्रोग्राम, तो दैट वॉज वंडरफुल। तो मैं इससे पहले भी कई बार एक्नॉलेज कर चुका हूँ और आज इस फ्लोर से फिर ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान। और आज के प्रोग्राम में टेबलो से और उसमें नेशनल सॉन्ग से, फिर हमारे पाकिस्तान से स्पेशल इंटरनेशनल कॉमेडियन बरकत उज़्मी आए हुए थे जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस किया और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और मैं समझता हूँ कि लोगों के चेहरों पर मुस्कराहट लेके आना ये हर मुसलमान का, हर इंसान का हक है, और ये हक अच्छी तरह आज पैड में पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के लोगों ने अदा किया है। भाई मैं ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल था, सारे पाकिस्तानी थे, सब ने बड़ा इंजॉय किया और बड़ी मोहब्बत दी। और इंशाल्लाह इसी तरह से हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें अगली दफ़ा इंशाल्लाह। मैंने जितने भी एक्सपो 192 कंट्रीज़ हैं उनको विज़िट किया और उनके बैजेस लिए हैं। इस टाइम तो हर किसी को मिल रही है, बैजेस नहीं मिल रहे हैं। और उसके अलावा फिर एक्सपो को जब पता चला मेरे वॉलंटियर इंचार्ज को, तो उन्होंने ये मुझे जो है शिफ्ट कंप्लीट पे और बैच कलेक्शन पे दिए हैं। इवन इनकी मीडिया ने भी मुझे अपना बैच दिया और कोस्टा रिका से मुझे बैच मिला। और एक्सपो कनाडा में हुआ था 2005 में, वो बैच मेरे पास है। एक्सपो 2025 होने वाला है जापान के अंदर, वो बैच मेरे पास है। तो उसके अलावा टोटल ओवरऑल मैंने 360 बैजेस जो है वो कलेक्ट किए हैं एक्सपो 2020 से। तकरीब में बारन लाइन मैजिक शो पिण पेश के वो जरें त प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान का आयल कॉमेडियन बरकत अजमी मानुन के खिलाए खिलाए खेरो करे छड़ियो।